हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3। पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं स्टूडेंट, जो आपका एक्सरसाइज 8.4 है। आज आपको एक्सरसाइज 8.4 का 4 नंबर प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे कि 4 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। तो 4 नंबर प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव यदि आपका एग्जाम में पूछे, तो आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्विंग करना है, सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। चलो स्टूडेंट, पहला प्रॉब्लम जो दिया गया है वो आपका क्या है, 9 sec² a माइनस क्या है, 9 tan² क्या है, a है। चलो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, दोनों में क्या है 9 है, तो 9 क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉमन ले लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, sec² a माइनस क्या होगा, tan² क्या होगा, a होगा। पिछले क्लास में आपको कुछ फॉर्मूला बताए थे, उसको बोले थे कि याद करना है, sin² a प्लस cos² a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, याद रखोगे। एक बताए थे sec² a माइनस tan² a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, इसको भी याद रखना है। एक आपको बताए थे cosec² a माइनस cot² a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये तीनों फॉर्मूला को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। ये यदि आप याद रखोगे तो आपका ट्रिगो का प्रॉब्लम आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आप बना सकते हो, बशर्ते आपको बेसिक फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। यदि ये फॉर्मूला पता रहेगा तो आप बना सकते हो आराम से, इसको आप अपने कॉपी में नोट करके लिख लो ये सब फॉर्मूला को। अब देखो स्टूडेंट, अब बताओ ये आपका 9 है, अब देखो sec² a माइनस tan² a के जगह पर क्या लिख सकते हो, इस पॉइंट को देखो sec² a माइनस tan² a इज इक्वल टू क्या, 1 होता है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, 1। तो आप बोल सकते हो 9 × 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्टिव का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बी होगा। तो आप इस तरह करके इस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्विंग कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का 4 का आपका 2 नंबर प्रॉब्लम, 2 नंबर प्रॉब्लम क्या दिया गया है उसको आप ध्यान से समझने का कोशिश करो। 2 नंबर में दिया गया 1 + 1 tan θ प्लस आपका sec θ ब्रैकेट, और दिया गया है 1 + cot θ माइनस cosec θ। ये पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा। आपका पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, तीसरा ऑप्शन है आपका 2, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, -1 है। क्या है आपका, -1 है। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। अब देखो ये दिया गया है 1 + tan θ, tan थीटा का आप क्या लिख सकते हो बताओ, तो sin θ बाई क्या लिख सकते हो, cos θ लिख सकते हो, प्लस sec θ को क्या लिख सकते हो, 1 क्या लिख सकते हो, cos θ लिख सकते हो, ब्रैकेट क्लोज करना है। यहाँ पर 1 + cot θ को आप क्या लिख सकते हो, cos θ बाई क्या लिख सकते हो, sin θ लिख सकते हो, माइनस यहाँ पर cosec θ को 1 क्या लिख सकते हो, sin θ लिख सकते हो। ये चीज़ आपको बताए थे, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आपका क्या मिलेगा, cos θ मिलेगा, नीचे में आपका क्या होगा, cos θ होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, cos θ होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, sin θ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा, और इसको क्या करना, ब्रैकेट क्लोज कर लेना। यहाँ पर देखो जब एलसीएम लेगा आपका sin θ, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, sin θ, यहाँ पर क्या होगा आपका, cos θ, और माइनस क्या होगा आपका, 1 होगा। ठीक है, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब देखो इस पूरे चीज़ को यदि a मान लेंगे, ठीक है, और इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे, तो इसको यदि हम लोग पूरा को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है a + b a - b इज इक्वल टू a² माइनस क्या होता है, b²। ये फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट यहाँ पर करेंगे तो a² माइनस क्या होगा, b² होगा। तो a² cos θ + sin θ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर,
अब बी के जगह पर क्या होगा, माइनस पी स्क्वायर, बी के जगह पर वन है तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला को गुना कर लिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, नीचे वाला क्या होगा साइन थीटा और आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले का यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई साइन थीटा और क्या होगा कॉस थीटा होगा। अब देखो चीज़ों को समझो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला को याद रखने बोले थे, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो वन प्लस टू कॉस थीटा और क्या होगा साइन थीटा, और वहाँ पर क्या है माइनस वन है डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा और आपका क्या होगा साइन थीटा होगा। यहाँ पर वन क्यों लिखे, इस जोड़ा को एक साथ करेंगे तो इस दोनों का वैल्यू मिल के क्या होगा वन होगा, यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिलेगा टू कॉस थीटा साइन थीटा बाई क्या होगा कॉस थीटा और क्या होगा साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा आपको क्या मिलेगा टू मिलेगा। मतलब इस ऑब्जेक्टिव का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, क्या होगा टू होगा, तो आप इसको टिक कर सकते हो, इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा टू होगा। तो इस तरह करके इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे सॉल्विंग करेंगे। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, इसी प्रॉब्लम का प्रॉब्लम नंबर थ्री कि थ्री का सॉल्यूशन क्या होगा। चलो अब थ्री बताते हैं कि थ्री का सॉल्यूशन क्या होगा, आप आराम से नोट करो प्रॉब्लम नंबर टू। अब देखो थ्री में क्या बोल रहा है, थ्री प्रॉब्लम है, थ्री में है सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट वन माइनस साइन ए, ठीक है। पहला ऑप्शन है सेक ए, दूसरा ऑप्शन है साइन ए, तीसरा ऑप्शन है कॉसेक ए और लास्ट वाला है आपका कॉस ए, ठीक है। चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। अब देखो यहां पर क्या है सेक ए है तो लिखते हैं सेक ए प्लस क्या लिखते हैं टेन ए ब्रैकेट वन माइनस क्या होगा साइन ए होगा, ठीक है। अब देखो सेक और टेन को हम ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो सेक ए इक्वल टू क्या होगा वन बाई कॉस ए होगा पता है, और टेन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता है साइन ए बटा क्या लिख सकता है बताओ कॉस ए, इसको हम रहने देते हैं वन माइनस साइन ए। चलो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो वन बाई वन प्लस साइन ए बटा क्या होगा कॉस ए होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो और यहाँ पर लिख सकते हैं वन माइनस क्या लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे तो ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर होगा तो वन का स्क्वायर मतलब वन होगा और बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई क्या होगा कॉस ए होगा। चलो अब देखो ये फॉर्मूला क्यों याद रखने बोले थे, देखो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा बताओ, इसको उधर ले जाइए तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करते वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे में क्या है आपका कॉस ए है, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा एक कॉस बचेगा तो आपको इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा कॉस ए होगा, क्या होगा कॉस ए होगा। चलो नोट करो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा आपका कॉस ए होगा।
इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा आपका, कॉस ए होगा, मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव यदि आपको एग्जाम में पूछे तो इसी तरह करके क्या करना है, सॉल्विंग करना है, सेक को कॉस के फॉर्मेट में लिख लेना है और टेन को साइन और कॉस के फॉर्मेट में लिख लेना है और बेसिक फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करके प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्विंग करना है। अब बताते हैं इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। अब इसका लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्या है उसको आपको प्रॉपर ढंग से क्या करना है, नोट करना है। चलो और ये बेसिक फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका लास्ट प्रॉब्लम। चलो लास्ट वाला प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, ये आपका 4 नंबर प्रॉब्लम है। 1 + 10² ए डिवाइडिंग बाय 1 + cot² ए इज इक्वल टू क्या होगा। पहला ऑप्शन है sec² ए, दूसरा ऑप्शन है -1, सी में है आपका cot² ए, आपका डी में है आपका tan² ए। चलो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे आपको बनाना है, ठीक है। अब देखो आपको एक फॉर्मूला बताए थे sec² ए -tan² ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से यदि ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, sec² ए इज इक्वल टू 1 + क्या होगा आपका बताओ, tan² ए होगा। और इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं cosec² ए इज इक्वल टू 1 + क्या होगा, cot² ए होगा। इसीलिए बोले थे इस बेसिक फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं 1 + tan² ए डिवाइडिंग बाई 1 + cot² ए है। चलो 1 + tan² ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता है, sec² ए, 1 + cot² ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता है, cosec² ए लिख सकता है। चलो ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको फॉर्मेट में सजा लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 / cosec² ए, अब cosec² ए को 1 / क्या लिख सकते हैं, sin² ए लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो sin² ए y क्या होगा, cos² ए होगा। चलो इसको फिर लिख लेते हैं sin ए y cos ए का क्या होगा, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। sin / cos आपको बता चुके हैं tan होता है, tan ए का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसको लिखेंगे तो क्या होगा, tan² ए होगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, tan² ए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरह करके सॉल्विंग करना है यदि आपको एक इस तरह का प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में पूछे तो। चलो स्टूडेंट 4 नंबर प्रॉब्लम को पूरा फिनिश कर दिए, अब हम लोग शुरू करते हैं इसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 5। 5 में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, सबको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो 5 का पहला प्रॉब्लम क्या है, cosec थीटा -cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा डिवाइडिंग बाय 1 + cos थीटा, इसको प्रूव करना है, ठीक है। चलो कैसे प्रूव करेंगे ध्यान दो। चलो देखो अब इसको कैसे करते हैं, देखो cosec थीटा -cot थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। cosec थीटा को हम लोग साइन के फॉर्मेट में लिखते हैं तो 1 / क्या होगा, sin थीटा होगा।
और कॉट को लिखेंगे ब्रेक करके, तो कॉस थीटा बाई क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल ठीक है। इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। वन इसको एलसीएम लेंगे तो वन माइनस कॉस थीटा बटा कितना हो जाएगा बोलो, साइन थीटा होगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो वन माइनस कॉस थीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे वाले फंक्शन को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वन माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ये वन है तो वन का क्या लिख सकता है, स्क्वायर लिख सकता है। तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस क्या होता है, बी होता है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये वन का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो वन का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होता है, बी होता है, उसी में लिखें। अब देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर वन माइनस कॉस थीटा है, तो ये फंक्शन एक फंक्शन को कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब ऊपर में क्या बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचेगा, वन प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब स्टूडेंट, ये आपका एलएचएस है और ये आपका क्या आरएचएस है। जब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आरएचएस के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, आरएचएस के बराबर हो गया। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया एलएचएस इज इक्वल टू क्या है, आपका आरएचएस है। आपको बोल रहा है कि सिद्ध करें दिस इक्वल टू दिस। तो इसको ब्रेक करते करते गए, बेसिक फॉर्मूला लगाए, सॉल्व किए, देखिए आपका ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। LHS इज इक्वल टू क्या हो रहा, RHS हो रहा, मतलब ये फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, ये फंक्शन होगा। तो आपको एग्जाम में पूछे तो स्टेप बाय स्टेप ऐसी तरह करके क्या करना है, सॉल्व करना है और दिखाना है कि LHS इज इक्वल टू क्या है, आपका RHS है। चलो स्टूडेंट, आपको प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाते जाना है, बाद में इसको रिविजन करना है, और जो जो फॉर्मूले को बोल रहे हैं लिखने के लिए, याद करने के लिए, वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आराम से प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हो। ये आपका क्या है, ये जस्ट लाइक दैट, ये फॉर्मूला है, इसको आपको एक एक पॉइंट में क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। एक पॉइंट में आपको नोट कर लेना है एक जगह पर, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से बना सकते हो। चलो इसके बाद पाँच का प्रॉब्लम नंबर टू को सॉल्विंग करते हैं कि पाँच का प्रॉब्लम नंबर टू को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। अब बताएंगे आपको फाइव का प्रॉब्लम नंबर टू। अब देखो फाइव का प्रॉब्लम नंबर टू क्या है स्टूडेंट, तो है आपका कॉस ए वाई वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ सेक ए, ठीक है। चलो देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं, ये एलएचएस बराबर आपका आरएचएस हो रहा है कि नहीं। तो आपका एलएचएस क्या है, एलएचएस आपका है कॉस ए डिवाइडिंग बाय वन प्लस साइन ए प्लस, इसको ब्रैकेट घेर लेते हैं, ये आपका क्या है कॉस ए बाय वन माइनस वन सॉरी वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाई क्या है कॉस ए है। अब इसको तो हम कुछ ब्रेक नहीं कर सकते, आपका साइन कॉस में है ये है, यदि नहीं रहता तो साइन कॉस में लिखते, बट है ये है ऑलरेडी। तो हम लोग नीचे वाले को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट वन प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अब मेरे को बताओ कि इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर वन प्लस साइन ए है तो ये वाला क्या हो जाएगा कॉस, इसको इसको गुना कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, इसको इसको गुना कर लेंगे तो वन प्लस
साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके बताते हैं। अब देखो इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होगा टू ए बी, तो टू इंटू वन इंटू साइन ए क्या होगा टू साइन ए होगा, और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा कॉस ए वन प्लस साइन ए होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा वन होगा, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं वन, पहले से क्या आपका वन प्लस टू साइन ए बटा कॉस ए ब्रैकेट वन प्लस क्या होगा साइन ए होगा, तो वन प्लस वन क्या लिख सकते हैं टू, तो टू प्लस टू साइन ए बाई क्या होगा कॉस ए ब्रैकेट वन प्लस क्या होगा साइन ए होगा। अब देखो टू आपका दोनों जगह पर है, टू को कॉमन लेते हैं तो वन प्लस क्या होगा साइन ए बाई क्या हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट वन प्लस क्या होगा साइन ए, तो वन प्लस साइन ए ऊपर भी है नीचे भी है कैंसिल हो जाएगा, तो टू बाई क्या होगा कॉस ए होगा, और वन बाई कॉस ए टू को बाहर करते हैं और वन बाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा सेक ए होगा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं टू सेक ए, इसका मतलब ये आपका क्या है आर एच एस है, ये आपका क्या हो रहा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। एल एच एस इक्वल टू क्या हो रहा आर एच एस हो रहा, तो बेसिकली हम लोग क्या कि स्टेप बाई स्टेप सॉल्विंग करते गए तो आपका एल एच एस इक्वल टू क्या हो रहा आर एच एस हो रहा, तो ये फंक्शन को जब सॉल्व किए तो इसका आंसर क्या हो रहा है टू सेक ए हो रहा, तो एल एच एस इक्वल टू आपका क्या हो रहा आर एच एस हो रहा, तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया, इसका मतलब टू का प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है यही है। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, टेन थीटा बाई वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करते हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो एल एच एस इक्वल टू क्या है टेन थीटा बटा वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडिंग बाय वन माइनस क्या है टेन थीटा, ये आपका क्या है एल एच एस है, इसको आपको प्रूव करके दिखाना है आर एच एस के बराबर। चलो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा टेन थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा वन माइनस, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। चलो इसको ऐसे रख लिया, इसको भी ब्रेक करो, इसको क्या लिख सकते हो बताओ कॉस थीटा बाई साइन थीटा वन माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलो अब इसको देखते हैं सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा साइन थीटा बाई क्या होगा कॉस थीटा होगा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर क्या होगा एलसीएम लेगा तो साइन थीटा माइनस क्या होगा कॉस थीटा होगा,
साइन थीटा माइनस क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। चलो अब देखो प्लस करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कॉस थीटा माइनस क्या होगा साइन थीटा होगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख सकता है कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या लिख सकता है साइन थीटा, माइनस क्या लिख सकता है कॉस थीटा लिख सकता है, ठीक है। और देखो कॉस कॉस का गुना करेगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसको इस यहाँ से माइनस को कॉमन ले रहे थे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा, अगर माइनस कॉमन ले लिए हैं तो आपका जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक फॉर्मेट में हम इसको कर ले रहे हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं। अब देखो अब हम क्या करते हैं, हम अब एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप ही बताओ, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस क्या होगा कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन का पावर थ्री थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है तो कॉस के पावर क्या हो जाएगा थ्री थीटा हो जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम ले लिए, अब देखो इस टर्म से इसको भाग देंगे, जो बचेगा उससे उसको गुना करेंगे, साइन थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा पहले से, साइन थीटा बचेगा तो साइन क्यू थीटा होगा, यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब ये हो गया, एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, तो साइन थीटा माइनस क्या होगा आपका कॉस थीटा ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस क्या होगा आपका कॉस थीटा होगा, स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ये आपका और ये आपका क्या दोनों बराबर है, कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो बचा क्या बताओ, अब बचा क्या बताओ, अब देखो अब इसको क्या करते हैं यहाँ पर साफ करते हैं, यहाँ पर भी बताएंगे, चलो यहाँ पर बताते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर, इसको ऐसे ऐसे इसको नोट करना, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा वन होगा, वन प्लस क्या हो जाएगा बताओ वन प्लस साइन थीटा और क्या होगा कॉस थीटा और बटा, और नीचे में क्या होगा बताओ, नीचे में क्या होगा बताओ, नीचे में होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा होगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा को अलग कर दिया, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा कॉस थीटा बटा क्या होगा साइन थीटा और क्या होगा कॉस थीटा होगा, ये कैंसिल हो गया, वन बचेगा। और देखो वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो कॉसेक थीटा, और वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सेक थीटा, और ये कैंसिल हो गया क्या बचेगा वन, यहाँ पर क्या बचा वन, देखो ये चीज़ प्रूव करने बोल रहा है, इसका मतलब वन प्लस सेक थीटा इंटू क्या हो गया कॉसेक थीटा हो गया, यही आपका क्या है आरएचएस। चलो आरएचएस आ गया, एलएचएस से हम लोग आरएचएस निकाल दिए, इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस हो गया, बराबर हो गया, आपका क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह करके क्या करना है, प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से क्या करना है स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करना है, स्टेप बाई स्टेप आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं, आपको नेक्स्ट क्लासेस में इस पाँच नंबर में आपका
10 प्रॉब्लम है, तो आज 5 का 3 प्रॉब्लम का डिस्कशन किए और रिमेनिंग 7 प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आपको इस तरह का वीडियो आराम से मिल सके और अपना कॉन्सेप्ट को आप बिल्डअप कर सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।